एक तरफ गाजा में इजरायली सेना हवाई हमले करने में जुटी हुई है, तो वहीं लेबनान में भी अब टैंकों से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। टैंकों का बना देंगे कब्रिस्तान, हिजबुल का इसराइल को चैलेंज। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो ये भी है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इसराइल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इसराइली टैंक नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट की मीडिया में यहां तक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के मरकावा टैंक उड़ा दिया है। قلنا في السابق ونعيد اليوم إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. टैंकों के उड़ाए चीथड़े, लेबनान में इजराइल की हार। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक दक्षिणी लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली टैंक और कई सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों के अलग अलग दस्तों ने हदाब यारिन साइट पर एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रबी सेट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बोरकन मिसाइलों से बिरकिट रिशा साइट को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह के कमांडर ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्व में इजरायल के फिलौन बेस पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजरायल के इस बेस में IDF की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके ड्रोन हमलों में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्लाह नहीं बता पाया है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. गाजा युद्ध के साथ साथ इसराइल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इसराइल हिजबुल्लाह और लेबनान के अंदर 6,000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इसराइल की तरफ से इसराइली सेना पर हिजबुल्लाह भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इसराइल का आयरन डोम अब रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इसराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्लाह की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इसराइल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे हैं, जिसकी वजह से इसराइल के किरियत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे।
शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इसराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्ला के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाई। दावा किया गया है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है।